अगर हम किसी पक्षी के अंडे छू लेते हैं तो पक्षी उन अंडों को फोड़ क्यों देते हैं? बनाने वाले ने सबको एक जैसा तो नहीं बनाया, लेकिन बच्चे पैदा करना और उनको पहचानना जरूर एक जैसा बनाया है। हर इंसानी माँ अपने बच्चों को दूर से ही पहचान लेती है, वहीं चाहे पक्षी हो या फिर जानवर, अपने अंडों को और बच्चों को एक विशेष गंध के कारण पहचान लेते हैं। इस गंध के चलते वो अपने बच्चों को पालती है और अगर वो कहीं खो जाएं तो वो उन्हें ढूंढ भी लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि अगर हम किसी पक्षी के अंडे को छू लेते हैं तो वो पक्षी उन अंडों को फोड़ क्यों देता है। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। आपने एक बात सुनी या फिर देखी होगी कि कुछ जानवर और पक्षी ऐसे होते हैं जो अगर कोई इंसान उनके अंडों को छू ले तो वो अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, और अगर वो पक्षी हैं तो वो अपने अंडे को तोड़ देते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? जैसा कि हमने बताया कि कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, कोई अपने एक विशेष गंध से अपने बच्चे को पहचान लेते हैं, वहीं जब उनके अंडों या फिर बच्चों को कोई इंसान हाथ लगाता है यानी कि छू लेता है तो उसकी गंध गायब हो जाती है, मतलब उसके शरीर से वो खत्म हो जाता है और जिन हाथों ने उसको छुआ है उसकी गंध उसके शरीर और अंडों पर ठहर जाती है। हाथ लग जाने के कारण गंध बदल जाती है। इसी के चलते पक्षी हो या फिर जानवर अपने बच्चों को या अंडों को पहचान नहीं पाते, उनके अंडे या बच्चों से पहचान मिट जाने के कारण वो उन्हें छोड़ देते हैं। इसलिए पक्षी अपने घोंसलों से अंडे को फालतू समझकर गिरा देते हैं। कई पक्षी ऐसे शातिर होते हैं जो ना तो अपना घोंसला बनाते हैं और ना अपने बच्चे पालते हैं, उनके अंडे भी दूसरे पक्षियों द्वारा सेए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने जाना कि एक पक्षी या फिर जानवर अपने बच्चों को इंसानी हाथ लगने के बाद क्यों छोड़ देता है। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।